राजस्थान हमारे देश भारत के उन राज्यों में से एक है जिसकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और यहाँ पर ना जाने कितने सारे राजाओं ने एक जमाने में राज किया था। राजस्थान में पुराने जमाने में बनाए गए महल और बसाए गए गांव आज भी मौजूद है और इन सारी पुरानी जगहों में कुछ अच्छी और बुरी घटनाएं भी घटी है। इनमें से कुछ जगहें बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरी है और जो भी लोग इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं वो इन रहस्यों में और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय जगह राजस्थान का एक पुराना गांव कुलधरा है। आज हम इस वीडियो में इसी रहस्यमय जगह की स्टोरी और हॉन्टिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। कुलधरा को इंडिया के टॉप हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है और कई सारे लोगों का मानना है कि इस जगह पर कई सारे भूतों का वास है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि कुलधरा का गांव बहुत ही ज़्यादा कर्स्ड या श्रापित है। कुलधरा राजस्थान के बड़े शहर जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि इस गांव को बहुत पहले पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे और ये लोग सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा चालाक भी थे क्योंकि कुलधरा गांव के पुराने मकान फार्मिंग टेक्निक्स और टूल्स को बहुत ही स्मार्टली बनाया गया था। पर इस गांव की एक बहुत ही अजीब मिस्ट्री है। माना जाता है कि इस गांव के सारे लोग एक रात में कुलधरा छोड़कर चले गए और वापस कभी नहीं लौटे। कुलधरा के इन निवासियों ने अपना सारा सामान और चीज़ें अपने घरों में ही छोड़ दिया और हमेशा के लिए चले गए। यही चीज़ इस राजस्थान के छोटे से गांव को बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है। कुलधरा के इस इंसिडेंट से रिलेटेड कई सारी कहानियाँ सुनाई जाती है जिनमें से एक कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। माना जाता है कि उस समय के एक दीवान सलीम सिंह नाम का एक आदमी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा था और उसे कुलधरा गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी की एक लड़की पसंद आ गई और वो किसी भी तरीके से उस लड़की से शादी करना चाहता था। पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद उसने कुलधरा गांव के लोगों को एक धमकी दे दी कि पूर्णमासी की रात तक वो लोग इस लड़की को उसे सौंप दे या तो वो जबरदस्ती उसे लेकर चले जाएगा। और इसी वजह से उन गांव वालों ने उस लड़की को बचाने के लिए एक रात में ही कुलधरा गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। और माना जाता है कि जाते जाते वो लोगों ने इस गांव को एक बहुत ही बड़ा श्राप दे दिया कि यहाँ पर आज के बाद कोई भी नहीं बस पाएगा और यहाँ पर आकर बसने वाले लोगों के साथ हमेशा ही बुरा होगा। उन गाँव वालों के कुलधरा छोड़कर जाने के बाद कुलधरा आज भी बहुत ही ज़्यादा सुनसान पड़ा है और कई लोग आज भी मानते हैं कि कुलधरा इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने वहाँ पर बसने की कोशिश नहीं की है, पर जब भी कोई वहाँ पर बसने की कोशिश करता है तो उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। आज के दौर में भी कई लोग कुलधरा घूमने आते हैं और आज भी उन लोगों को इस गाँव में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस होता है। कई लोगों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मण्स ने जाने के पहले अपने सारे सोने और चांदी की वस्तुएं कुलधरा की जमीन के नीचे गाड़ दिए हैं और आज भी कई लालची लोग इस खजाने को ढूंढने के लिए कुलधरा आते रहते हैं, पर आज तक यहां पर किसी को भी कोई भी खजाना नहीं मिला है। अगर वास्तु एक्सपर्ट्स की माने तो कुलधरा गांव का वास्तु बहुत ही ज्यादा बुरा है और इसी वजह से इस जगह पर कई सारी नेगेटिव एनर्जीज होने का चांस भी बहुत ही ज्यादा है। इतनी सारी मिस्टीरियस कहानियां और घटनाओं के वजह से राजस्थान का यह छोटा सा गांव बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो गाइज, ये था हमारा एक वीडियो कुलधरा गांव के बारे में। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइज, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।